इन दिनों अयोध्या मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग तेज हो रही है और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और साफ कर दिया कि अभी मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार पार्ट टू के सत्ता में आते ही एक बार फिर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है, तो वही मामले को लेकर रोजाना सुनवाई की मांग भी तेज हो रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमने मध्यस्थता पैनल बनाया है, हमें उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, मध्यस्थों को रिपोर्ट दाखिल करने दें। साथ ही कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ही हर दिन सुनवाई पर फैसला होगा। अयोध्या मामले में हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि मध्यस्थता को लेकर की गई कोशिशों से कोई खास प्रगति नहीं हुई है, लिहाजा ये प्रक्रिया रोककर कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई करे। पीठ ने कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई शुरू करने संबंधी औपचारिक आदेश 18 जुलाई को जस्टिस कलीफुल्ला पैनल की अंतरिम रिपोर्ट को देखने के बाद किया जाएगा। यानी अगर कोर्ट को लगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है तो 25 जुलाई से मामले की रोजाना सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने 8 मार्च को पूर्व न्यायाधीश FM कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्य पैनल का गठन किया था। पैनल में जस्टिस कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू को सदस्य बनाया गया है। इस पैनल का मकसद है कि मामले का ऐसा समाधान निकाला जा सके जो सबके लिए मान्य हो, लेकिन इस पैनल पर ही अब सवाल उठ रहे हैं कि इससे कोई हल नहीं निकल सकता, लिहाजा मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मध्यस्थता पैनल की प्रक्रिया से कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर मामले में रोजाना सुनवाई के लिए हामी भरता है। DB लाइव की रिपोर्ट।